पाकिस्तान में डोमेस्टिक टी ट्वेंटी सीजन जो है वो चल रहा है हर हाल में क्रिकेट हैश टैग के साथ और पाकिस्तान का, दुनिया का वो पहला मुल्क है जहां पर डोमेस्टिक सीजन का आगाज हुआ 30 सितंबर से आज जो है वो चौथा दिन है इस इवेंट का और आज भी दो मैच खेले जाने हैं पहला मैच जो है वो आपसे कुछ ही देर बाद स्टार्ट होगा नॉर्दर्न वर्सेस सेंट्रल पंजाब के दरमियान और दूसरा मैच जो है वो के पी के वर्सेज सदर्न पंजाब के दरमियान खेला जाएगा शाम को साढ़े सात बजे रात को जो मैच खेला गया उसमें आपकी सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमें जो है वो मदे मुकाबिल थी जिसमें सिंध ने सेंट्रल पंजाब को हराया कितने रन से हराया क्यों हराया इसके ऊपर भी बात करेंगे और आज पहला जो मैच खेला जाना है उसमें टॉस हो चुका है जी नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दरमियान पहला मैच है जिसमें से टॉस जीता है सेंट्रल पंजाब के कप्तान साद नसीम ने और वो पहले बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अरसलान शराजी इस्लामिक अरसलान कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम मारिया आप कैसी हैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अर्षा अरसलान टॉस जो है हो चुका है सेंट्रल पंजाब जो है उन्होंने आज पहले कल उन्होंने कल उनकी उन्ह बॉलिंग थी और आज वो पहले बैटिंग करने जा रहे हैं तो कल उन्होंने कुछ सीखा जो बॉलिंग बाद में वो डिफेंड नहीं कर सके नहीं आ, मैं आ, अगर आप देखें सेंट्रल पंजाब की आ, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग को तो उनकी जो स्ट्रेंथ देखी जा सकती है ऑन पेपर वो उनकी बैटिंग है तो कल भी उन्होंने यही किया कि वो पहले खेलने की तरफ गए पहले एक बड़ा वो टोटल देना चाह रहे थे और यहाँ पे मैं जो पिचिज़ हैं उनके बारे में बड़ी अच्छी बात करूँगा कि बहुत अच्छी पिचिज़ हैं ऑल क्राइट गोज़ टू ग्राउंड स्टाफ और पीसीबी के वो सही टी ट्वेंटी वाली पिचेज हैं आप देख रही हैं कि टू uh, हंड्रेड प्लस भी हुआ और कल भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और uh, अच्छा खेलती सेंट्रल पंजाब उनके सिर्फ आबिद अली ने चार चौके uh, छः चौके और एक छक्का लगाया और फिफ्टी स्कोर की उनका साथ सही तरीके से नहीं दे पाए और जो उन्होंने टॉस जीती उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए और रात में क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था तो इसलिए उनको मसले हुए अगर वो अच्छा पहले टोटल सेट कर लेते तो आपने देखा कि 154 भी बड़ा मुश्किल हो गया था एक वक्त सिंध के लिए अगर आखिर पे आज़म खान के वो दो छक्के ना होते तो मेरे ख्याल में बड़ा क्रूशल मैच हो गया था लेकिन उन दो छक्कों की वजह से सिंध के लिए आसान रहा कि वो मैच जीत गए आज भी उनके माइंड में यही होगा कि वो टू प्लस का एक टोटल सेट करें फॉर नॉर्दर्न और अगर वो ये सेट कर लेते हैं तो उसके बाद वो नहीं कर अच्छा अरसलान एक चीज जो हम लोग मुझे लग रहा है कि हमने उसको गलत मैंने इंटरप्रेट कर दिया सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीता है और वो पहले बॉलिंग के लिए जा रहे हैं मैं और तुम आ, मैं और आप जो ये बात डिस्कस कर रहे थे कि आ, बॉलिंग जो अगर हम देखें सेंट्रल पंजाब की तो इंतहा वीक है अदर देन नसीम शाह आपके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि आप उस पर डिपेंड कर सको नहीं वो अपनी जगह पे एहसान आदल उनके पास बड़े अच्छे हैं और रात भी उन्होंने दो विकटें और मेरे ख्याल में वो रात वाले एक्सपीरियंस के बाद उनके लिए ये यानी मसला हुआ होगा कि यार नहीं हम जो करना चाह रहे थे वो क्लिक नहीं कर पाए और हम बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग में वो देख लें कि नसीम शाह रात भी उसने अच्छी बॉलिंग की चार में इकतीस दिया और एक विकेट ली एहसान आदल ने उसका साथ दिया तीन थ्री पॉइंट फाइव और ट्वेंटी नाइन रन टू विकेट्स इसके अलावा कोई भी बॉलर उसका साथ नहीं दे सका उस्मान कादर को बड़े यानी स्कोर पड़े दो ओवर में उनतीस उसे पड़े साथ नसीम मेरे लिए बड़ी और जब मैं देख रहा था लाइव मैच तो उस वक्त कमेंट्री बॉक्स से ये बताया जा रहा था कि साद नसीम और जो सरफराज अहमद है ये अंडर 19 और ए टीम के लिए इकट्ठे खेलते रहे और एक मैच में इन दोनों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि मुश्किल हो रहा था कि मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए तो, तो ये तीन बॉलर्स हैं आप देखते हैं कि ये आज कैसा परफॉर्म करते हैं रात तो बड़ा मुश्किल था सेंट्रल पंजाब के लिए और उन्होंने वो जो कारदगी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं हुई और उसी तरह उनका एक बड़ा नाम जिसको प्रेशर के अंडर आ गया अब्दुल्ला शफीक 25 बालों पे पे किए कल भी आप और मैं बैठे यही बात कर रहे थे कि कोई अच्छा खेल है टैलेंट है तो उसको बग अप करें उसकी तारीफें करें लेकिन उनको ग्रेड्स के साथ मिलाएंगे तो फिर उनके लिए यही मसाइल होंगे कि एक में तो वो पहले अपने मैच में एक करता है सेंचुरी करता है और बड़ी हर बॉल को अपने मेरिट पे खेलता है और बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलता है लेकिन दूसरे मैच में वो टी में की जो टीम आज प्लेइंग इलेवन मैदान में उतरेगी कामरान अकमल साद नसीम आबिद अली अब्दुल्ला शफीक रिजवान हुसैन इरफान खान न्याजी कासिम अक्रम उस्मान कादिर एहसान आदिल जफर गोहर सुहेबूल्ला ये वो प्लेयर्स हैं जो कि सेंट्रल पंजाब की तरफ से आज मैदान में उतरेंगे आपके आपको नॉर्दर्न की टीम जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दें जिशान मलिक अली इमरान हैदर अली शादाब खान आसिफ अली उमर अमीन रोहेल नजीर मोहम्मद नवाज सुहेल तनवीर मूसा खान हारिस रऊफ आज भी अगर हम देखें तो दो ऐसे नाम जिनको हम प्लेइंग एलेवन में देखना चाह रहे थे वो आज टीम में शामिल नहीं है जिसमें से एक है मोहम्मद आमिर और दूसरे हैं सुहेल अख्तर जो कि कप्तानी कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान सुपर्स लीग में तो ईशान वो अरसलान आप बताएं कि आपको मोहम्मद आमिर और सुहेल को प्लेइंग एलेवन में ना रखने की रीज़न क्या समझ आती है देखिए अगर तो आप टीम की जीत की तरफ देखें तो फिर मोहम्मद वसीम को आ, मेरा ख्याल है मोहम्मद आमिर को लेना चाहिए था लेकिन मुझे यहाँ पे इस बात की खुशी हो रही है कि वो यानी जो आपकी मैनेजमेंट है किसी भी रीजन की वो खुद से फैसले ले रही, रही है जब वो खुद से फैसले नहीं लेते तो फिर ये होता है कि आपके सीनियर प्लेयर हमेशा प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होते हैं चाहे जूनियर या, 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 या यंगस्टर को चांस मिले ना मिले लेकिन यहाँ पे आप देखें कि अगर मोहम्मद आमर नहीं खेल रहा तो इट्स मीन वो सारी बातें कोच की सुनी जा रही हैं और कोच जो प्लेइंग एलेवन खिलाना चाह रहा है वो खिला रहा है बाकी जहाँ तक बात है वो पिछले सीजन में भी बड़ा अच्छा नॉर्दर्न ने अपनी गेम दिखाई थी दुनिया को दिखाई थी पाकिस्तान को दिखाई थी और इस बार भी वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और मेरे ख्याल में अगर उनका कोई इस तरह का डिसीजन है और कोई इंपॉर्टेंट मैच आखिर पे ऐसा आ जाता है जहाँ पे उन्हें ज़रूरत होगी मोहम्मद आमिर की तो वो उसे भी लेके आएंगे लेकिन अभी तो स्टार्ट है टूर्नामेंट का तो बड़ी अच्छी बात है कि वो यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं और अख्तर का मुझे समझ नहीं आ रही टी ट्वेंटी बैट्समैन है टी ट्वेंटी में सबसे बेस्ट खेल सकते हैं और जिस तरह आपने कहा एक फ़्रेंचाइज़ के वो कैप्टन भी है

उसको भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज आप जो टीम्स खेल रही हैं यानी कि नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब उन दोनों टीम्स में से आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उस टीम में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और साथ साथ ये भी आपने बताना है कि आप पाकिस्तान या दुनिया के कौन से हिस्से से हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा ताकि हमें हमें भी जो है वो पता चले कि हमारे देखने वाले कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं डी बी यूट्यूब चैनल की बात करती चलूं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि डी बी वी यूट्यूब को जाकर आप लोगों ने जो है वह सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो जितनी भी वीडियोस अपलोड हूँ या जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हो तो आपको उस आगाज़ के साथ ही एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी ट्रांसमिशन जो है वो बाकायदा देख सकें आप लोगों की कमेंट्स को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी लेकिन अभी थोड़ी सी बात अरसलान कर लेते हैं कल के मैच के ऊपर एक एक प्लेयर सिंध से उनका ताल्लुक हम सब की नजरें उन पर थी पी एस एल में भी हम सब की नजरें उन पर रही कुछ वजुहत की बिना पर वो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे और फिर वो कल जब वापस आए फिटनेस तो मुझे अभी भी लगा क्योंकि वो शर्जील वैसे भी का दो कामद में अच्छे ठीक हैं लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था अभी थोड़ा अभी भी थोड़ा थोड़ा सा उनका वेट जो है उसको जो है वो उन्हें लूज करना होगा लेकिन शर्जील खान की मैं बात कर रही हूँ बनाए किस तरह से उनकी बैटिंग को देख रहे हैं देखें शर्जील नो डाउट एक अच्छा प्लेयर था और हम उसे ओपनिंग में मिस कर रहे थे उसके काम उसके साथ वो हम उस पर बात नहीं करते लेकिन जो वो एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब उस पर वो मैच फिक्सिंग और वो सारा कुछ हुआ और उसे क्रिकेट से बाहर जाना पड़ा लास्ट नाइट की उसकी इनिंग बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि फिनिश नहीं कर पाए और आपने अगर उनका आउट देखा है पिछले मैच में भी सेम इसी तरह वो इसी जगह पे कैच आउट हुए थे hmm. तो वो कोई यानी वर्क नहीं हो रहा उस बात पे जो कि यहां पे होना चाहिए यही डोमेस्टिक क्रिकेट का काम है कि जब आप इंटरनेशनल में आते हैं तो आप बिल्कुल कुंदन बन के आते हैं जब आप इस तरह की गलतियां या आपकी कोई लूज शॉट है जिस पे आप अपनी विकेट गंवाते हैं तो डोमेस्टिक में आप उस पर काम करते हैं एक मैच में आप आउट होते हैं तो आपका कोच आपकी टीम के बाकी मेंबर आपको उस पर वर्क करवाते हैं और जब आप इंटरनेशनल के लिए आते हैं तो फिर आपकी वो खामी नहीं रहती लेकिन रात मुझे शर्जील को देख के हुआ कि यार ये तो पिछले मैच में भी, भी सेम इसी तरह आउट हुआ और आज भी अब आगे देखते हैं कि उसके जो हेड कोच है और बाकी उसके कंसल्टेंट है वो उस पर कैसे काम करते हैं जहाँ तक आपने वेट की बात की तो वाकई ही क्योंकि पीछे कोविड नाइन्टीन गुजरा है तो मेरे ख़्याल में उसकी वजह से हो सकता है कि वो अपनी वो वाली रूटीन जिम वाली और बाकी जो एथलीट लेते हैं वो नहीं कर पाए थे इसलिए उनका थोड़ा वेट ज़्यादा है बाकी अच्छी इनिंग खेली और मेरे ख्याल में पूरी टीम की जीत का शेरा उन्हीं के सर जाता है अगर आप बाद में देखें अगर आज़म खान के वो दो छक्के ना होते तो मैच बड़ा मुश्किल हो गया था और जब सिंध जीता है तो उसके बाद कमेंट्री बॉक्स से यह कहा जा रहा था कि सेंट्रल पंजाब जीता हुआ मैच हार गया है तो मुझे वैसे उनकी लॉजिक की समझ नहीं आई अठारह बालों पे इक्कीस स्कोर चाहिए थे और सिर्फ दो आउट थे तो उसके बाद अगर ये कहा जाए कि जीता हुआ मैच हार गया तो मेरी समझ से बाहर था लेकिन फिर भी अगर आखिरी दो छक्के आजम खान के नाव होते तो खुरम मंजूर और शर्जील खान की

मैं जब शुरू से मैच देख रही थी तो मुझे तो वो शुरू से ही जब सिंध बैटिंग करने के लिए आया तो तब से ही लग रहा था कि मैच सिंध के हाथ में आया और आराम से जो है वो सिंध जीत सकता है ये मैच और शर्जील के आउट होने के बाद फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए मैच जो है वो सेंट्रल पंजाब की तरफ गया था लेकिन वापस जो है आजम खान के वो छक्के और फिर सेंट्रल पंजाब की तरफ वो मैच नहीं जा सका दूसरी चीज अरसलान जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे वो है आबिद अली फिफ्टी किए लेकिन अपनी इनिंग्स को ज्यादा वो लंबा नहीं कर सकते कर सके साथ में उनके कोई खड़ा भी नहीं रहा विकेट पे लेकिन एक टैग जो टेस्ट प्लेयर का था या वनडे प्लेयर का था वो आपको लगा कि हट हट गया है आबिद से देखिए आबिद अली शुरू से ही एक अच्छा प्लेयर है और जो अच्छा प्लेयर होता है वो तीनों फॉर्मेट के लिए अच्छा होता है उसने 56 किया 40 बॉल्स पे छह चौके एक छक्का तो ये एक टिपिकल टी प्लेयर वाली इनिंग थी और इसके बाद उन्होंने इसको कन्वर्ट करना था एटी नाइन्टी हंड्रेड की तरफ लेकिन वो, वो बदकिस्मत रहे uh, कि उनके साथ किसी ने साथ नहीं दिया और जिस तरह वो खेल रहे थे बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देखते हुए कि यार बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इनको आगे भी मौका मिलना चाहिए लेकिन फिर वही बात आ जाती है इन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रूव किया है और इनके जो डेब्यू पे हंड्रेड्स हैं वो फिफ्टी ओवर्स हो या uh, टेस्ट क्रिकेट हो वो सब के सामने है तो इन्हें अभी और परफॉर्म करना पड़ेगा अभी तो ये स्टार्ट है इस टूर्नामेंट का अभी चार पाँच दिन हुए हैं आगे

मिर्जा इशफाक जराल आप कह रहे हैं असलम कैसी हैं अल्लाह का शुक्र जी अजहर अहमद आप कह रहे हैं टॉस टॉस जीता है सेंट्रल पंजाब ने और सेंट्रल पंजाब पहले बॉलिंग करने के लिए जा रही है महमूद एहसान आप कह रहे हैं आप हरीपुर से देख रहे हैं राव इफ्तार राव आप नॉर्दरन को सपोर्ट कर रहे हैं और आप के पी के सवाबी से देख रहे हैं और आपके फेवरेट प्लेयर जो है वो शादाब और हैदर हैं आ, मिर्जा इशफाक जराल आप मिर्जा आप मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से देख रहे हैं और आज आप शादाब खान को सपोर्ट कर रहे हैं हसन अली इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं है रहीम खान आपका सवाल इसका जवाब मैं अरसलान से लूंगी मोहम्मद वैस आ, ये कौन सा मैच है ये पाकिस्तान डोमेस्टिक टॉ डोमेस्टिक टी ट्वेंटी है जिसके मैचेस जो है वो हो रहे हैं आयशा नूर आप सपोर्ट करिए नॉर्दर्न को मोहम्मद वैस अलकम वालेकुम असलम जी आ, आ, हुजैफा खान आप कह रहे हैं हैदर अली और कामरान अकमल आपको आपके फेवरेट हैं और आप पेशावर से देख रहे हैं आ, बाबर आपने कहा हाय कामरान अकमल आपका फेवरेट है रहीम खान आपने कहा मोहम्मद अरहम आप कह रहे हैं नाइसो पी के चार मैचेस किस ग्राउंड में होने हैं अहमद नसीर आ, कजाफी स्टेडियम लाहौर चौदह पंद्रह और सत्रह नवंबर को ये मैचज़ खेले जाने हैं सलीम खान असल जी मोहम्मद शहजाद आप कह रहे हैं हेलो क्या शजील खान का मैच है नहीं जी शर्जील खान रात को खेले थे आज उनका मैच नहीं है मोहम्मद आमिर क्यों नहीं खेल रहा है इसके ऊपर हमने डिस्क, डिटेल डिस्कशन की है लेकिन इससे ज्यादा जवाब जो है वो वसीम खान ही मोहम्मद वसीम दे सकते हैं जो कि कोच हैं नौ के बिलाल अहमद कह रहे हैं कि आप रहीम या, यार खान से देख रहे हैं मोहम्मद अरहम आपने कमेंट किया बहुत शुक्रिया चौधरी तोसीफ आप कह रहे हैं कामरान इज बेस्ट शर्जील बहुत अच्छा खेला कल बिल्कुल जी मोहम्मद मूसा महर आप कह रहे हैं असल बाबर आजम बाबर आजम आज टीम में शामिल नहीं हैं अगर होते तो फिर आपने 56 जो है ना उसका स्कोर बताना था कासिम अक्रम आपका बहुत शुक्रिया वाचिंग फ्रॉम मियाँ अब्दुल्ला आप ये कह रहे हैं वेल ट्रांसमिशन थैंक यू सो मच जी हसन अली क्यों नहीं खेल रहे अरसलान देखिए मेरे पिछले दिन के हसन अली का बड़ा करीबी दोस्त था उससे बात हो रही थी सबको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो किसके ज़्यादा करीब है तो वो ये कह रहे थे कि उनका फोकस जो है वो हट गया है क्रिकेट से अब उनको अगर यानी क्रिकेट और यानी एडवर्टीज़मेंट या कोई मॉडलिंग की तरफ यानी दोनों में कंपैरिजन करना पड़े तो वो मॉडलिंग और एडवर्टीज़मेंट की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है बन के क्रिकेट के और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वो नेशनल टीम से भी आउट हो गए और उनकी वो परफॉर्मेंस भी नहीं रही जो उनकी चैम्पियंस ट्रॉफी में थी तो यही वजह है कि उनकी फोकस और और प्रायोरिटीज चेंज हो गई है मेरे ख्याल में आफ्टर मैरिज इसलिए उनको आप नहीं देख पा रहे आफ्टर मैरिज या फिर उनको वो जो हाइप मिली उनको शुरू में बड़ा बॉलर समझा गया बताया गया तो वो उनके दिमाग को चढ़ गई है नहीं वो दिमाग को देखें अगर उनको आज कोई एडवर्टीजमेंट मिल रही है या कोई मॉडलिंग या कुछ शूटिंग के हवाले से मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है जो उन्होंने परफॉर्म की थी ग्राउंड में लेकिन अब मैं तो ये कहूँगा कि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं वो कोई दिमाग को नहीं चढ़ी प्रायोरिटीज जब चेंज हो जाती है यानी आपका पहला प्राइम फोकस जब क्रिकेट होता है तो फिर आप हर चीज़ को छोड़ के पहले आप क्रिकेट पे आते हैं लेकिन जब आपका प्राइम फोकस कुछ और हो जाता है कि आपको अगर बुलाया जा रहा है कैंप के लिए ये भी यानी बात है यानी जबान जद आम है हर बंदे को पता होगा मे भी हमारे व्यूवर्स को ना पता हो जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि जब उन्हें लास्ट टाइम कैंप के लिए बुलाया गया तो उनकी एक शूट थी दुबई में तो उन्होंने कहा है, पहले मैं वो करने जाऊंगा उसके बाद कैंप में आऊंगा तो कैंप वालों ने कहा कि थैंक यू वेरी मच आप वहाँ पर शूट ही करें बाकी हम देख लेंगे इतनी भी ज़रूरी आप नहीं है अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा अपनी शूट अजीज़ है तो हमें नया टैलेंट अजीज है नया टैलेंट अजीज है हम उसको लेके आते हैं और आप जैसे काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले और वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है जिसकी वजह से वो क्रिकेट से दूर है और अरसलान इसके ऊपर फिर यहाँ फिर हमें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो प्लेयर्स पाकि जिनकी प्रायोरिटी क्रिकेट नहीं है जिन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट या दू दूसरे मुल्क में लीग क्रिकेट को ज़्यादा फोकस किया फिर उनके साथ वो हुआ कुछ ऐसा हुआ उनके साथ फिर वैसा ही रवैया रखा गया कि उन्होंने अपने जब उनको नेशनल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उनके साथ ऐसा रवैया रखा गया तो फिर आपको आपको भी पता है कि अब मजबूरन वो लोग हमें इस डोमेस्टिक टी ट्वेंटी में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं वो हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं वरना आपको भी पता है मुझे भी पता है हम डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते रहे हैं तो हमें इतने बड़े बड़े नाम कभी भी, अपने यहां पे इस में कभी भी पिछले तो दिखाई नहीं दिए दे, पाकिस्तान ने और अगर ये बड़े नाम यहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में नहीं खेलेंगे तो हमारे यंगस्टर इनसे सीखेंगे कैसे वो टीवी पे देख के नहीं जब इनसे के साथ ग्राउंड के अंदर होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये बड़ा नाम है और ये इस प्रेशर को इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं और इसमें नो डाउट पी को क्रेडिट जाता है कि उसने ये किया और यहाँ में मैं इंज़मा हक़ हाँ की एक बात कोट करूँगा पिछले दिनों वो हमारे बहुत प्यारे स्पोर्ट्स एंकर हैं उनके साथ शो में थे तो उन्होंने उनसे यही सवाल किया गया मोहम्मद आमर की जल्द जो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो उस पर बात की गई कि वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा यानी रेस्ट नहीं दिया जाता और मुझे हर फॉर्मेट में डाला हुआ है तो इसलिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए तो वो खेलते हैं लेकिन वो अगर, अगर अपना एक कोई लीग जो वो खेल रहे हैं उससे रेस्ट कर लें तो उनके लिए रेस्ट काफी है लीग से तो रेस्ट नहीं लेनी क्योंकि वहां से पैसा कमा रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से आप रेस्ट मांगते हैं कि नहीं मुझे रेस्ट चाहिए और मैं फिर खेलता रहूंगा अगर तीन टेस्ट हैं तो दो टेस्ट खिला लें और एक मैं नहीं खेलूंगा उसमें मुझे रेस्ट चाहिए या इतने मैचेज हैं तो इतने मैं साल में खेलूंगा इतने नहीं इस तरह नहीं होता आप जब लीग खेल रहे हैं दुनिया की हर लीग का हर मैच आप खेल रहे हैं तो फिर कैसे ये मुमकिन है कि जब जो आपकी मेन जो आपको बनाने वाली चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसके लिए आप कहते हैं कि मुझे रेस्ट चाहिए बिल्कुल जी और मोहम्मद अरहम अभी कह रहे हैं मैच मैच जो है वो मोहम्मद आसिफ के बारे में कुछ बताएं मोहम्मद आसिफ जो है वो डोमेस्टिक तो उन्होंने काफ़ी अर्से से क्रिकेट नहीं खेली आ, और अभी वो इस वक्त अमेरिका में हैं और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कामरान अकबर टीम में बायर के साथ में अच्छा चौधरी आसिफ आपने कमेंट किया उसके बाद हंजला मैं इंडिया से हूँ लेकिन अमारात में रहता हूँ क्या अनवर अली को बैटिंग चांस देकर एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं बना सकते इसके अंदर बहुत काबिलियत है वो अब्दुल रजाक जैसा बन सकता है बताएं आ, देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अनवर अली एक अच्छा ऑलराउंडर हो सकता है लेकिन उसे हमारा मसला यही है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी बड़े प्लेयर के साथ पहले ही माजना करना शुरू कर देते हैं अब्दुल रजाक एक क्लास थी और ये फिर मैं यहाँ पे आप कहेंगे कि ये पीसीबी की तारीफें करते रहते हैं यहाँ बैठ के यहाँ पे फिर क्रेडिट दूँगा पी पीसीबी को कि वो अब्दुल रजाक जैसे प्लेयर को कोचिंग वाले रोल में लेके आए हैं कि वो और रजाक पैदा करें हमारे कमी है ऐसे ऑलराउंडर्स की जैसे रजाक थे बड़े अच्छे फिनिशर थे क्या खूबसूरत शॉट्स खेलते थे एट द एंड और नॉट ओनली इन पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में जहाँ वो गए हैं उन्होंने लोहा मनवाया है कि नहीं वो है और जितनी भी अच्छी पार्टनरशिप लगी होती थी उसे ब्रेक कर देते थे तो अनवर अली नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं अच्छे ऑलराउंडर हैं लेकिन उनको अभी टाइम चाहिए उन्हें मेहनत चाहिए और इसी तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे हाँ डोमेस्टिक में उन्हें मौका मिलना चाहिए उन्हें परफॉर्म करना चाहिए पी में परफॉर्म करना चाहिए और आफ्टर दैट पिछली बार इस पी में तो उनकी किस्मत जाग उठी

तो बाबर आजम मोस्ट uh, प्रोबेबली वहां में आपको अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे पिंडी में सदाम हुसैन सलाम मारिया कैसे हो आप किसका मैच है और इसके बाद किसका मैच है अभी मैच हो रहा है जी मैं बिल्कुल ठीक अभी मैच हो रहा है नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब का और इसके बाद जो दूसरा मैच होना है रात को साढ़े सात बजे वो है के पी के वर्सेज सदरन पंजाब और बाबर आजम और बाबर मरी आपने कहा कि आप बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं है। मैम मारिया आपका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी आपका Uh, मुजाकिर खान आप कह रहे हैं कि आपका कमेंट uh, फैसल रियाज आप कह रहे हैं आपने कमेंट किया बहुत शुक्रिया uh, मीर कलबे हुसैन तालपुर आप ये कह रहे हैं कि मेरा नाम भी लें मैंने आपका नाम ले लिया जी उमर गुल क्यों नहीं खेल रहा मैडम उमर गुल uh, खेल रहे हैं अपनी टीम में लेकिन उनको अगर प्लेइंग एलेवन में जगह नहीं मिल रही तो वो uh, उनकी कोच बता सकते हैं uh, इमरान नजीर के बारे में बताएं ये कल भी क्वेश्चन आया था इमरान नजीर के बारे में क्या कामरान अकमल को एज अ ओपनर नहीं खिला सकते क्या पीसीबी वाले चौधरी चोद, तोसीफ मेरे ख्याल में कामरान अकमल जो है वो ओपनिंग ही कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब की तरफ से जी और मैच उसके बाद मैम आई एम स्ट्र, स्ट्रीट क्रिकेटर मैं कैसे अपनी क्रिकेट आगे ले जा सकता हूं इरफान नियाजी पूछ रहे हैं देखिए आप मेहनत करते रहे और अभी तो बड़ा अच्छा क्लब स्ट्रक्चर आ रहा है और सिटी क्रिकेटर एसोसिएशन पी इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो आपके लिए पूरा मौका है आप इसी तरह मेहनत करते रहें और किसी क्लब के थ्रू आप अगर क्लब में नहीं भी जाते तो जब ये अभी ये अनाउंस करने वाला पी सी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जब वो आएंगी तो उसमें आपको ज़रूर मौका मिलेगा और आप अगर आप में सलाहियत हुई तो, तो फिर आप

बाबर आजम आपका फेवरेट है रहीम खान आ, उसके बाद हेलो मैं नुमान आपका बहुत शुक्रिया जी आप बहुत अच्छे अरसलान भाई आप भी बहुत अच्छे हो आ, मीर कल, हुसैन तालपुर आपका बहुत शुक्रिया जी अरसलान आ, फा, फा, फाइनल आपसे मैं कबो लूंगी प्रडिक्शन सेंट्रल पंजाब देखें दोनों टीमें अच्छी हैं लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए जो अभी इन्होंने मैचेस खेले हैं और ऑन पेपर देखा जाए तो मेरे ख्याल में नॉर्दर्न वालों को

पहले दोनों ओवर फेंके ग्यारह स्कोर दिए तीसरा भी फेंका उसके बाद बाईस हो गए लेकिन वो बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे और कमेंट्री बॉक्स से मुझे सुनने को ये मिला कि ये बड़े अच्छे बॉलर पहले भी रहे हैं लेकिन बीच में छोड़ गए थे लेकिन हमें चाहिए कि ये जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जैसे कि आफरीदी बॉलर आए थे और उसके बाद वो ऑलराउंडर हो गए तो ऑलराउंडिंग आज के क्रिकेट में ज़्यादा होती है तो मेरे ख्याल में जो प्लेयर्स पहले भी बॉलिंग करते रहे उन्हें बॉलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए बिल्कुल जी और दूसरी बात अरसलान के साथ ना सिर्फ जो है वो बॉलिंग बॉलिंग करा रहे थे वो नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग भी की है अपनी टीम के लिए तो वो उनके अंदर एक चीज नजर आ रहा है कि के वो कैप्टन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि के कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बैटिंग भी कर रहे हैं बॉलिंग भी कर रहे हैं और फील्ड में भी थोड़ा वो काफी ज्यादा हमें एक्टिव नजर आते हैं आप लोगों को आप लोग भी बता सकते हैं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम अभी आप थोड़ी देर में आप लोगों से इजाज़त भी चाहेंगे आप लोग अगर डी स्पोर्ट शो के पेज पर हमें देख रहे हैं तो आप डी स्पोर्ट शो के पेज को जो है वो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जो हमारी स्ट्रीम चल रही है मतलब ये जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को आपने लाइक जो है वो जरूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर आप लोगों के नाम जो है उनको भी शामिल करती चलूं आकाश आपने कमेंट किया बहुत शुक्रिया चौधरी जैन आपने कमेंट किया बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जे शायद आपका बहुत शुक्रिया। दिलावर जान, आप कह रहे हैं कि कामरान को टीम पाकिस्तान में लाओ अभी जो है अभी तो जंग जो चल रही है सरफराज और रिजवान में तो एक कामरान अकबल अच्छा ऑप्शन है आपके टी ट्वेंटी क्रिकेट के लिए क्या कहेंगे नहीं कामरान नो डाउट अच्छा है लेकिन अब आपका मुकाबला यानी इतना टफ हो गया है रिजवान बड़ा अच्छा परफार्म कर रहे हैं कामरान अच्छा परफार्म कर रहे हैं और उसके पीछे परफार्मेंस सरफराज की पुरानी परफार्मेंस है आगे भी मे बी आ जाए रात तो वो जो चौका लगा वो मिस फील्ड का था और वो भी <laughs> काफ़ी महंगा साबित हुआ सेंट्रल पंजाब को जो सरफराज ने सिंगल के लिए खेला था और वो थर्ड मैन पे हुआ तो मेरे ख़्याल में नीचे से बड़े अच्छे रोहिल नज़ीर आ गए जिशान आ गए तो मेरे ख़्याल में अब इतना टफ़ कंपटीशन है कि इस तरह किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो अब वही आएगा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और यही पी का भी मानना है कि उसे ही मौका दिया जाएगा जो परफॉर्म करे और जो लंबे अरसे के लिए आपको आगे भी पाकिस्तान क्रिकेट में सर्व कर सके चौधरी जैन आप कह रहे हैं मेरा नाम लो आपका नाम ले लिया जी अनद आप कह रहे हैं आपने भी कमेंट किया आपका बहुत शुक्रिया जी और रवि आप कह रहे आपने भी कमेंट किया बहुत शुक्रिया हसन फरीद आप कह रहे हैं कि आप सियालकोट से देख रहे हैं सलमान शेख आप इमरान अली खेल रहा है क्या आ, आ, मिस्टर योयो यो के नाम से आइडिया और आप कह रहे हैं हेलो हेलो जी आप कैसे हैं और आप लोग आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया मैच जो आज का है बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं उसमें सपोर्ट कर रही हूँ सेंट्रल पंजाब को और सलान सप, आ, सपोर्ट कर रहे हैं को और दूसरे मैच में के पी के वर्सेज सदर्न पंजाब है

उसकी ट्रांसमिशन आज के लिए डीवी पर इख्त पजी होती है इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह